अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, क्या हाल चाल है? आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको WhatsApp के एक ऐसे फीचर के बारे में बताने वाला हूं जिसके ज़रिए आप WhatsApp को OTP के बगैर ही, जो आपको OTP रिसीव होता है जब आप लॉग इन करते हैं WhatsApp में, आप उसके बगैर ही WhatsApp में लॉग इन कर सकेंगे। तो ये WhatsApp का बहुत ही कमाल का फीचर है। तो यहाँ पे अगर हम 3 dots में जाएँ, सेटिंग्स में जाएँ, और सेटिंग्स में जाने के बाद अगर आप अकाउंट में जाएँ, तो यहाँ पे सिक्योरिटी नोटिफिकेशन के नीचे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है पास की। तो हम पास की पे बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे इस चैनल शाहीन ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन नाल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि पास की आपके तब काम आती है जब आप WhatsApp में लॉग इन कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे हमने WhatsApp को अनइंस्टॉल कर दिया और दोबारा से इंस्टॉल किया। तो जब हम WhatsApp को इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करने के बाद नंबर पुट करते हैं और उसके बाद हमें OTP रिसीव होता है वेरीफाई करने के लिए। तो अगर आप यहाँ पे एक पास की जनरेट कर लेते हैं, तो अगर आपको किसी वजह से वो OTP रिसीव नहीं हो पा रहा, कोई सिग्नल का इशू है या कोई नेटवर्क का इशू है, तो आप पास की थ्रू ही इसमें लॉग इन कर सकेंगे। तो ये बहुत ही कमाल का फीचर है। अगर आप पास की क्रिएट करना चाहते हैं तो इसका तरीकाकार ये है। यहाँ पे आप ऊपर भी देख सकते हैं, यू कैन यूज़ फिंगरप्रिंट, फेस और स्क्रीन लॉक टू वेरीफाई इफ़ यू विद पास की, योर पास की आर सेफली स्टोर्ड इन द पासवर्ड मैनेजर। दोस्तों, अगर आप पास की क्रिएट करना चाहते हैं तो क्रिएट आप पास की पे हमने यहाँ पे टैब करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आपको गूगल अकाउंट दिखा रहा है, तो आप जिस अकाउंट में अपने इस पास की को सेव करना चाहते हैं उसको आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपका नंबर शो हो रहा है जो कि कंप्लीट नहीं है, लास्ट 4 digits आपको शो हो रहे हैं, तो आपने कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करेंगे तो यूज़ यूअर स्क्रीन लॉक फॉर इनक्रिप्शन, तो यहाँ पे आप स्क्रीन लॉक को जो यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपने स्क्रीन लॉक को यूज़ कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं अपना थंब दे दूँगा। तो दोस्तों, यहाँ पे अब हमारी पास की एक क्रिएट हो चुकी है। अब जब भी हम इस डिवाइस में लॉग इन करेंगे तो हमें OTP की ज़रूरत नहीं होगी, हम डायरेक्टली अपने इस थंब से लॉग इन कर सकेंगे अपने WhatsApp अकाउंट में। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया होगा कि पास की का क्या मकसद और हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो कि वीडियो को आपने लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।